फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एमएसए सिंप्लीफाइड स्टडीज, जो आपके लिए लेकर आया है टुडेज फाइव, या आप जिसे डेली फाइव के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चंस। टुडेज फाइव क्वेश्चंस या डेली फाइव क्वेश्चंस, इस नाम से जो वीडियो सीरीज आपके सामने लाई जा रही है, उसका आज जो सब्जेक्ट है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, और उसका डे है 31st, यानी पूरा एक महीना और एक दिन, या अगर हम 31st 31 डेज का अगर मंथ पकड़े तो पूरा एक महीना आज कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो सब्जेक्ट हमने बोला है मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेटेड है, जिसमें हम स्पेशली टेट्रासाइक्लिन पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार विनती है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको जब कभी भी मैं पहला वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर द सब्सक्राइबिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 31st डे इज 151। 31वें दिन का आज 191वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, ईपी टेट्रासाइक्लिन इज फॉर्मड ड्यू टू ईपी मराइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस एट। ईपी टेट्रासाइक्लिन इज फॉर्मड ड्यू टू ईपी मराइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस एट, यानी ईपी टेट्रासाइक्लिन जो बनता है वो ईपी मराइजेशन की वजह से बनता है, बट ईपी मराइजेशन कौन सी प्लेस पे होता है? ऑप्शन ए है कार्बन 4 इन एसिडिक पीएच, कार्बन 2 पर होता है ईपी मराइजेशन एसिडिक पीएच में, ये ऑप्शन सी है कार्बन 10 जो कि एसिडिक पीएच में है, और ऑप्शन डी कार्बन 11 ए एसिडिक पीएच में अगर इपीमराइजेशन होता है तो हमें इपीडेट्रासाइक्लिन मिलता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जी याद कीजिए कि कौन से कार्बन पर होता है, थोड़ा सा इपीमराइजेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन को पढ़िए अच्छे से, याद कीजिए। यस, एंड द आंसर इज कार्बन 4। एसिडिक पीएच अगर करते हैं और कार्बन 4 पर इपीमराइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमें टेट्रासाइक्लिन मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 152 है, और अगला सवाल ये रहा, अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन्स आर फॉर्मड बाय अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ऑन टेट्रासाइक्लिन प्रोसेसिंग, यानी अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन हमें बनाना है और कैसे बनते हैं? अटैक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तब ये बनते हैं, बट टेट्रासाइक्लिन के अंदर इसका होना जरूरी है तभी अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनता है। तो क्या होना जरूरी? ऑप्शन ए 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 11 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या 6 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो कि हमें अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन देगा? यस, 3, 4, 11 या 6 पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से हमें अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन मिलता है। एंड द आंसर इज 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर है और उसके ऊपर, यानी टेट्रासाइक्लिन के अंदर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके ऊपर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का अटैक करते हैं तो हमें अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, the dimethyl amino group at 4th position in tetracycline has, the dimethyl amino group at 4th position in tetracycline has, जो dimethyl amino group है जिसकी चौथे position पर, यानी at 4th position in tetracycline has, okay, tetracycline के 4th position पर dimethyl amino group has, क्या होता? एक कौन सा ओरिएंटेशन? फोर्थ पोजीशन पर तो डायमिथाइल अमाइनो है, उसका ओरिएंटेशन क्या है? ऑप्शन ए अल्फा ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी बीटा ओरिएंटेशन। अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टेट्रासाइक्लिन, यानी हर टेट्रासाइक्लिन के अंदर इसका अलग होता है, जिसके उसके हिसाब से या स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द, यानी तीन ऑप्शन है, एक तो अल्फा, बीटा या दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल टेट्रासाइक्लिन स्ट्रक्चर। डायमिथाइल अमाइनो ग्रुप जो चौथे पोजीशन पर है उसका कौन सा ओरिएंटेशन होता है? ओके, यस,
एंड दैट इज द अल्फा ओरिएंटेशन, अल्फा ओरिएंटेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, 154वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इन विच टेट्रासाइक्लिन द अमाइड ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन इज सब्सटीट्यूटेड। कौन से टेट्रासाइक्लिन में अमाइड ग्रुप जो है सेकेंड पोजिशन पर सब्सटीट्यूट होता है? डिमिक्लोसाइक्लिन, ऑप्शन बी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन सी मिनोसाइक्लिन एंड ऑप्शन डी रोलीटेट्रासाइक्लिन। विच वन इज देयर? यस, कौन सा रहेगा? कौन से टेट्रासाइक्लिन में अमाइड ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पर उसका उसको सब्सटीट्यूट होता है या सब्सटीट्यूटेड होता है? द आंसर इज रोलीटेट्रासाइक्लिन। अगला सवाल ये रहा आपके सामने और वो है आज का आखिरी सवाल 155। आईयूपीसी नेम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन है, बट ऑप्शन इसके पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4-डायमिथाइल अमाइनो, 1,4,4A,5,5A, 6,12A, ऑक्टाहाइड्रो, 8 हो रहेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑक्टाहाइड्रो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके ऑक्टाहाइड्रो हो रहे। 4-डायमिथाइल अमाइनो, 1,4,4A,5,5A,6,12A, ऑक्टाहाइड्रो, 3, 6, 10, 12A, पेंटाहाइड्रोक्सी सिक्स मिथाइल, 1,11-डाइऑक्सो 2-नेफ्थेसिन कार्बोना अमाइन, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 4-अमाइनो, इसमें डायमिथाइल अमाइनो है और इसमें सिर्फ अमाइनो है, बाकी चार सेम है, जैसे कि 4-अमाइनो, 1,4,4A,5,5A,6,12A, ऑक्टाहाइड्रो, 3, 6, 10, 12A, पेंटाहाइड्रोक्सी 6-मिथाइल 1,11-डाइऑक्सो 2-नेफ्थेसिन कार्बोनामाइड। ऑप्शन सी है 4-डायमिथाइल अमाइनो, 1,4,4A,5,5A,6,12A, ऑक्टानेफ्थेसिन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ नॉमेनक्लेचर में? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, 4-डायमिथाइल अमाइनो, 1,4,4A,5,5A,6,12A, ऑक्टाहाइड्रो, 3, 6, 10, 12, 12A, पेंटाहाइड्रोक्सी 6-मिथाइल 1,11-डाइऑक्सो 2-नेफ्थेसिन कार्बोनामाइड। सो ये थे आज के 5 सवाल आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ओके, थैंक यू सो मच।